ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों को उठाकर ले जाने वाले बच्चा चोर गिरोह समझकर सपड़ी के लोगों ने जलंधर के रहने वाले एक दंपत्ति को पीट दिया, साथ ही उनके पास जो भी सामान था उसे सड़क पर बिखेर दिया। हालांकि इस बीच मामला पेश आने के बाद कुछ लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दे दी थी। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले का जायजा लिया और बाद में पूछताछ के लिए दंपत्ति को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। बच्चों को उठाकर ले जाने वाले बच्चा चोर गिरोह समझकर सपड़ी के लोगों ने जलंधर के रहने वाले एक दंपत्ति को पीट दिया, साथ ही उनके पास जो सामान था उसे सड़क पर बिखेर दिया। हालांकि इस बीच मामला पेश आने के बाद कुछ लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दे दी थी। इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले मामले का जायजा लिया व बाद में पूछताछ के लिए दंपत्ति को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला बीती रात ज्वालाजी के साथ लगते सपड़ी में पेश आया, जब जलंधर के रहने वाला एक दंपत्ति ज्वालाजी मां के दर्शनों के बाद सड़क मार्ग से होता हुआ पैदल कांगड़ा की तरफ जा रहा था कि इसी बीच गांव के लोगों ने बच्चा चोर गिरोह समझकर इनकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दंपत्ति को यहां देखकर पहले गांव वालों ने उन्हें रोका व बाद में अपने स्तर पर इनसे पूछताछ करने शुरू कर दी। इस बीच पुलिस भी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाने में लाया, साथ ही बाद में उनके परिवार को उनके बारे में सूचित किया। पूरी जांच करने के बाद पता चला कि ये दोनों पति पत्नी है और इनका नाम कांता व विजय है, जो जलंधर से संबंध रखते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जलंधर थाने में इनका रिकॉर्ड चेक किया तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया। DSP ज्वालाजी तिलक राज ने बताया कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अन्य तरीकों से अफवाह फैलाई जा रही है कि शहरों में कोई बच्चा चोर गिरोह गैंग घूम रही है जो बच्चों को उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला अभी पेश नहीं आया है, ना ही ज्वालाजी से कोई बच्चा गायब होने की रिपोर्ट उनके पास आई है। उन्होंने कहा कि लोगों से भी अपील है कि वे इस तरह की अफवाहों में न आए और साथ ही यदि क्षेत्र में कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई अमल में ला सके। उन्होंने कहा कि जिन दंपत्ति के पास से खिलौने मिले थे वे उन्हें बस जिन्हें लोगों ने पीटा वे आरोपी नहीं थे बल्कि जलंधर से थे और यहाँ माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद उन्हें छोड़ दिया है, साथ ही लोगों से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में ना लें और किसी निर्दोष की बेवजह पिटाई ना करें। पिछली रात दो आदमी एक और एक मर्द जो है उस गाँव वासी ने उनको रोका और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया अपने लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे सवाल चला हुआ है कि बच्चा जो लोग सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे इलाके में कोई भी ऐसी सूचना हमें प्राप्त नहीं है, ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आई है कि कहीं से कोई बच्चा चोरी हुआ है या गुम हुआ हो। गाँव वालों ने तो रोका था उनको, पुलिस मौके पर पुलिस गई है, डिटेन किया उनको, उनके घर में बात की है। इन दोनों के नाम कांता और विजय हैं, जलंधर कैंट के रहने वाले हैं। इनके घर में बात की है, उनके घर वाले यहाँ आ रहे हैं और इनके कंसर्न पुलिस स्टेशन से इनके एंटीसीडेंट्स भी पता किए गए, तो कुछ भी कोई केस वहाँ पर दर्ज नहीं है। तो मेरी यहाँ की पब्लिक से यही निवेदन है कि कृपया इन अफवाहों से दूर रहें और कोई भी अगर संदिग्ध लगता भी है तो खुद मारपीट ना करें, उनको रोक लें और पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस अपनी कार्रवाई अपने आप कर लेगी।